जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन को और पुलिस को आइडेंटिफाई करना चाहिए जो एक ग्लोबल नेक्सस है। कश्मीर में पत्थरबाजी उसी प्रकार की पत्थरबाजी जेएनयू में होती है, उसी प्रकार की पत्थरबाजी जामिया में होती है, ये केवल दिल्ली में दो ही जगह पर क्यों होती है। तो इन लोगों को आइडेंटिफाई करके जिनका नेक्सस है, जिसका मोडस ऑपरेंडी है, उसको एक्सपोज करके इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और उनको बैन किया जाना चाहिए। कितने न जाने कितने इवेंट्स ऐसे हो चुके हैं जिनके प्रूफ्स हैं हमारे पास। यहाँ पे स्टूडेंट को बुलाया गया है जो जामिया के स्टूडेंट है, जो जेएनयू के स्टूडेंट नहीं है, उनके द्वारा हमला कराया जा रहा है, जो कैंपस में अनस्टेबिलिटी है वो क्रिएट की जा रही है। अभी व्यक्ति की आजादी का अर्थ ये तो नहीं कि आप देश द्रोह करें। हम देश द्रोह कर रहे हैं। देखिए सरकार ने इस चीज को बैन किया, आप उसको जबरदस्ती देख रहे हैं, स्क्रीनिंग कर रहे हो। देश द्रोह का क्या मतलब होता है? टुकड़े पत्थरबाजी कहाँ होती है? पत्थरबाजी होती है कश्मीर में, पत्थरबाजी होती है केरला में, पत्थरबाजी होती है पश्चिम बंगाल में, जहाँ पे लेफ्ट और जिहादी नेक्सस वहाँ पे है वहीं पे पत्थरबाजी होती है। आपने कभी सुना है कि दिल्ली में पत्थरबाजी हुई? आपने कभी सुना है राजस्थान में पत्थरबाजी? क्यों नहीं होती है? क्योंकि वहाँ पे ये इकोसिस्टम काम नहीं करता है। तो वही इकोसिस्टम जो पत्थरबाजी वाला है जेएनयू में काम करता है। जेएनयू में जो लेफ्ट और जो जिहादी लोग उनका नेक्सस है वो यहाँ पे जेएनयू में काम करता है। देश में गणतंत्र दिवस का माहौल है, 26 जनवरी बहुत नजदीक आ रही है और इसके साथ ही जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जेएनयू फिर से विवादों के घेरे में है। यहाँ एक टूल किट को फिर से एक्टिवेट किए जाने का शक दिखाई देता है। भारत सरकार ने इस टूल किट को सोशल मीडिया पर पूरी तरह से बैन कर दिया था, उसके बावजूद इसकी स्क्रीनिंग जेएनयू में की गई और इसका विरोध एबीवीपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा, विद्यार्थियों के द्वारा किया गया, जिसको लेकर विवाद खड़ा हुआ। हमने देखा रात को किस तरह से दोनों ही गुटों ने एक दूसरे पर पथराव किया और जेएनयू प्रशासन ने इसको ख़त्म करने के लिए बिजली भी बंद की। लेकिन अब ये विवाद आगे क्या रूप ले रहा है हम इसको जानने का प्रयास करेंगे। मैं हूँ हरनाम सिंह और आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम टाइम्स। तो आइए प्रयास करते हैं जानने का कि आखिर जेएनयू में यह विवाद क्यों पर खड़ा हुआ और अब इसमें क्या आगे भविष्य में सरकार निर्णय ले रही है और जेएनयू प्रशासन इस विषय में क्या कार्रवाई कर रहा है। दोस्तों अब एक विद्यार्थी और हमारे साथ हैं जो उस समय वही मौके पर थे, हम उनसे बात करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये मामला क्या हुआ कि अचानक से इतना बड़ा विवाद खड़ा हो गया। नाम बताइए सर। मेरा नाम विकास है और मैं जेएनयू का छात्र हूँ। तो आप उस समय वहीं पर थे जब ये विवाद खड़ा हुआ? जी जी, मैं गेट पे ही था। अच्छा। और उनका जो स्क्रीनिंग है वो पहले टेफ्लास है एक जगह जेएनयू में, वहाँ पे चल रहा था। अच्छा। तो जो स्क्रीनिंग जो जिसकी परमिशन नहीं थी वो स्क्रीनिंग वहाँ पे कर रहे थे और जब उनको वहाँ पे मीडिया फुटेज नहीं मिला तो वो झूठा पत्थरबाजी का नाटक करते हुए उन्होंने एक मार्च निकाला टेफ्लास से जेएनयू मेन गेट तक। टेफ्लास से जेएनयू मेन गेट तक मार्च निकालने का सीधा मतलब यही था कि वो लोग मीडिया फुटेज चाहते थे क्योंकि मीडिया गेट पे मौजूद था। अगर उनको मार्च ही करना होता तो वो कहीं और जाते, यहाँ पे मेन गेट पे आने का उनका मतलब था। तो यहाँ पे आते हैं यहाँ पे मार्च यहाँ पे पहुंचता है गेट पे, अचानक नारेबाजी शुरू होती है, आजादी आजादी के नारे लगाए जाते हैं। उसके बाद अचानक पीछे से हुड़दंग मचती है, थोड़ा भगदड़ मचता है, बोल रहा है पत्थरबाजी होगी पत्थरबाजी। उसी समय मैं भी जब ऐसा हुड़दंग मचता है मैं यहाँ से गेट से भागने की कोशिश करता हूँ। जैसे मैं अंदर की तरफ भागने की कोशिश करता हूँ तभी कुछ लोग हैं जो लेफ्ट को मुझे आइडेंटिफाई करते हैं कि संगी गुंडा है, एबीवीपी का है, इसको पकड़ इसने पत्थरबाजी की है। मुझे पकड़ के यहाँ पे खींच के लाते हैं और 250 भीड़ मुझे पूरे घेर लेती है और मुझे गालियां देने की कोशिश करती है, तुम पत्थरबाजी किए हो, तुम ये किए हो, तुम संगी गुंडे हो, तुम सब यही करने के लिए आते हो। मुझे पीटने की कोशिश की जाती है, मीडिया के सामने मुझे लिंच करने की कोशिश की जाती है, पकड़ा जाता है, गेट की तरफ लाया जाता है मुझे और लगभग 1.5 घंटे तक हॉस्टेज बना के रखते हैं। हॉस्टेज बना के रहते हैं, हम लोगों ने पूछते हैं कि हमें हॉस्टेज क्यों बना के रखा, तो बोले तुम लोग पत्थरबाजी किए, हमारे पास हमारा प्रूफ है। तो मैंने कहा अगर आपके पास प्रूफ है, अगर हमने पत्थरबाजी की है तो आप हमें पुलिस को सबमिट कीजिए, हमें अरेस्ट करवाइए और आप पुलिस को एविडेंस दीजिए। बोले नहीं, पुलिस तुम्हारा है, सिस्टम तुम्हारा है, पुलिस हमारा कुछ नहीं करेगी, हम लोग जो करना यही करेंगे। तो लोग चाहते थे कि इंस्टेंट जस्टिस हो सकता है वो हमारा लिंचिंग कर देते, लेकिन आप कल मीडिया मौजूद था, मीडिया के सामने हमारा कुछ नहीं कर पाया। अगर आप कल मीडिया मौजूद नहीं होता हो सकता है कि वो लोग लिंच कर देते। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि देखिए 26 जनवरी नजदीक है, ठीक है, और देश में बहुत से विदेशी पर्यटक आए हुए हैं और राजनयिक भी आए हुए हैं,
ऐसे समय पर ही जेएनयू में ऐसे विवाद क्यों खड़े होते हैं? क्या ये कोई टूल किट काम करती है जेएनयू के अंदर? ये पूरे इंटरनेशनल नेक्सस है। आपको आप जान सकते हैं कि जब G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है, भारत अपने आजादी के अमृत काल को मना रहा है, 26 जनवरी जैसा बड़ा उत्सव, 75 साल हमारे आजादी के पूरे हुए हैं, उस समय में एक इंटरनेशनल टूल किट है जो भारत की छवि पूरे विश्व में वो धूमिल करना चाहता है कि भारत जैसा, भारत आज जैसे उभर रहा है एक महाशक्ति के रूप में, तो उनसे उनको तकलीफ है। जो ग्लोबल एक जो नेक्सस बना हुआ है, जो लेफ्ट लिबरल का जो नेक्सस है, वो उनको ये चीजें हजम नहीं हो रही। कैसे एक राष्ट्रवादी जो अभी सरकार है उसके चलते भी ये चीजें हो जा रही है, तो वो लोग कैसे एक फैक्ट जिसपे सुप्रीम कोर्ट का ऑलरेडी वर्डिक्ट आ चुका है, जिसको सुप्रीम कोर्ट क्लीन चिट दे चुकी है, उसके ऊपर एक न्यूज चैनल जो प्रोपेगेंडा न्यूज चैनल है, जो कॉलोनाइजर्स का जिन्होंने हमारे ऊपर राज किया, ब्रिटिशर्स का न्यूज चैनल है, उसके द्वारा एक बीबीसी जो है उसके द्वारा एक डॉक्यूमेंट्री बनाई जाती है। उस डॉक्यूमेंट्री को ऐसा नहीं कि डॉक्यूमेंट्री बनाई जाती है, उसको पहले यूट्यूब पे डाला जाता है, फिर प्लान्ड तरीके से जितने भी कैंपसेस है, आपने देखा सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैदराबाद में उसकी स्क्रीनिंग हुई, जेएनयू में उसकी स्क्रीनिंग होती है, आज जामिया में उसकी स्क्रीनिंग है। तो ये एक जो नेक्सस है किस तरह की सारी यूनिवर्सिटीज में जो अनस्टेबिलिटी है देश में, उसको जाहिर करना चाहते हैं, वो फैलाना चाहते हैं। इसी की वजह से कल उनका जो स्क्रीनिंग है हो रहा था, लेकिन उनको स्क्रीनिंग में कुछ बवाल करना था ताकि वो पूरा एकदम नैरेटिव हाईलाइट हो जाए। इस नैरेटिव को बनाने के लिए वो लोग जबरदस्ती टेफला से जेएनयू मेन गेट पे आते हैं, मार्च करते हैं, यहाँ पे आजादी के नारे लगाते हैं। अगर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री चले उसमें आजादी के नारे का क्या मतलब है? यहाँ पे नारेबाजी करते हैं, फिर जबरदस्ती जो पूरा पत्थरबाजी जो एक इवेंट को बता रहे हैं उसका आरोप किस पर डाला जाए? तो यहाँ पे लेफ्ट का एक ही जो एंटी है वो है एबीवीपी। तो एबीवीपी आरोप डालने के लिए उन्होंने दो एबीवीपी के आइडेंटिफाइड लोगों को पकड़ा, उनके ऊपर झूठे आरोप लगाए कि आपने पत्थरबाजी की है, लेकिन हम लोग इस पूरे इवेंट में कहीं इन्वॉल्व नहीं थे, हम लोगों को इससे डॉक्यूमेंट से कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि डॉक्यूमेंट्री है ऑलरेडी भारत सरकार द्वारा प्रतिबंधित है, जेएनयू प्रशासन ने इवेंट को अनुमति नहीं दी, तो हम लोग इस पूरे इवेंट में पढ़ना ही नहीं चाहते, लेकिन जबरदस्ती इनको मीडिया फुटेज चाहिए। आपको घसीटा गया इस मामले जबरदस्ती एबीवीपी को घसीटा गया, क्योंकि उनका दुश्मन यहाँ पे कौन है, उनका एंटी कौन है? एंटी की ऑर्गेनाइजेशन वो है एबीवीपी, बाकी सब उनके साथ है। तो जो पत्थरबाजी का आरोप है, झूठा आरोप है, किस पे डाला जाए? तो उन्होंने एबीवीपी को डालने के दो आइडेंटिफाइड एबीवीपी के लोगों को पकड़ा ताकि जो पूरा आरोप उन पर डाला जा सके। अच्छा देखिए, अगर हम कहें जैसे पूरे देश में इनका नाम मशहूर है, टुकड़े टुकड़े गए, तो क्या प्रशासन से आप कार्रवाई चाहते हैं? जेएनयू प्रशासन इनके खिलाफ क्या कार्रवाई करे, आपकी क्या मांग? आप सभी जानते हैं कि देश भर में टुकड़े पत्थरबाजी कहाँ होती है? पत्थरबाजी होती है कश्मीर में, पत्थरबाजी होती है केरला में, पत्थरबाजी होती है पश्चिम बंगाल में, जहाँ पे लेफ्ट और जिहादी नेक्सस वहाँ पे है वहीं पे पत्थरबाजी होती है। आपने कभी सुना है कि दिल्ली में पत्थरबाजी हुई? आपने कभी सुना है राजस्थान में पत्थरबाजी? क्यों नहीं होती है? क्योंकि वहाँ पे ये इकोसिस्टम काम नहीं करता। तो वही इकोसिस्टम जो पत्थरबाजी वाला है जेएनयू में काम करता है, जेएनयू में जो लेफ्ट और जो जिहादी लोग उनका नेक्सस है वो यहाँ पे जेएनयू में काम करता है, पत्थरबाजी जैसे इवेंट है वो उन्हीं को अंजाम देते हैं, किसी और का तरीका नहीं है पत्थरबाजी करने का, और मारपीट के और भी तरीके, लेकिन जो पत्थरबाजी करके मारपीट करने का जो तरीका है, तो जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन को और पुलिस को आइडेंटिफाई करना चाहिए जो एक ग्लोबल नेक्सस है। कश्मीरी पत्थरबाजी उसी प्रकार की पत्थरबाजी जेएनयू में होती है, उसी प्रकार की पत्थरबाजी जामिया में होती है, ये केवल दिल्ली में दो ही जगह पर क्यों होती है? तो इन लोगों को आइडेंटिफाई करके जिनका नेक्सस है, जिसका मोडस ऑपरेंडी है, उसको एक्सपोज करके इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और उनको बैन किया जाना चाहिए। कितने न जाने कितने इवेंट्स ऐसे हो चुके हैं जिनके प्रूफ्स है हमारे पास, यहाँ पे स्टूडेंट को बुलाया गया है जो जामिया के स्टूडेंट है, जो जेएनयू के स्टूडेंट नहीं है, उनके द्वारा हमला कराया जा रहा है, जो कैंपस में अनस्टेबिलिटी वो क्रिएट की जा रही है। बाहर के विद्यार्थी भी इसमें शामिल है? बाहर के विद्यार्थी, जामिया के विद्यार्थी थे इसमें, डीयू के विद्यार्थी थे, जो लोग इनका जो इनको सपोर्ट करते हैं, क्योंकि इनको जेएनयू के अंदर से कोई सपोर्ट मिलने वाला था नहीं। जिस समय स्क्रीनिंग की गई उस समय पर जब बाहर के विद्यार्थी यहाँ पर आए, जेएनयू के अंदर आते हैं, तो क्या एडमिनिस्ट्रेशन ने ऐसा कोई इंतजाम नहीं किया कि इनको रोका जाए? नहीं रुका। अगर एडमिनिस्ट्रेशन की सिक्योरिटी टाइट होती तो इतने लोग इकट्ठे ही नहीं होते। जो आधे से ज्यादा लोग थे, क्योंकि जेएनयू से इनको कोई सपोर्ट मिलने वाला है नहीं, जेएनयू के साथ इनको सपोर्ट नहीं करते, तो भीड़ दिखाने के लिए कि लोगों के हमारे साथ इतने लोग थे, हमारे साथ 250 लोग थे, 300 लोग थे, तो बाहर से लोगों को बुलाते हैं, अपना जो मॉडस ऑपरेंडी है कि ऐसी स्क्रीनिंग करती है उसको अंजाम देते हैं, पत्थरबाजी करवाते हैं ताकि हमको मीडिया फुटेज मिल सके, कैंपस में विक्टिम कार्ड खेला जाए कि हाँ हम लोग स्क्रीनिंग कर रहे थे, हमारे एबीपी ने पत्थरबाजी की। अच्छा, ये जो सारा प्रकरण हुआ, इस प्रकरण को देखते हुए भारत की जो छवि, क्योंकि विदेशी बहुत इस वक्त आए हुए हैं भारत के अंदर, G20 का समिट भी होना है, तो इस सारे प्रकरण को देखते हुए विश्व के अंदर क्या छवि भारत की खड़ी होगी, क्या देखते हैं आप?
निश्चित इनका जो जो इनका इंटेंशन है वो क्लियर है कि किसी भी तरह भारत के छवि को खराब किया जाए, लेकिन आप सभी जानते हैं कि ग्लोबली हम लोग इतना स्ट्रांग हो चुके हैं। जैसे बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आने के बाद में अमेरिका का बयान आया कि हम लोग इंडिया एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है, और जो भी प्रोपेगेंडा फैलाया जाए मित्र उसके साथ नहीं है। तो जो ये चीजें हो रही है दुनिया में इसका फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन लेफ्ट इकोसिस्टम है जो पूरा ग्लोबल एक इकोसिस्टम है ना, वो किसी भी तरह भारत को अनस्टेबल करना चाहता है, भारत की खराब छवि पूरे विश्व में प्रस्तुत करना चाहता है कि भारत में इन्वेस्टमेंट नहीं आए, तो भारत का जो ग्रोथ रेट है वो बढ़ जाए। तो ये सब चीजों को खराब करने के लिए, देश में अनस्टेबिलिटी लाने के लिए कि भारत एक सेकुलर कंट्री नहीं है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, डिक्टेटर रूल कर रहा है, ऐसी छवि पूरे देश में पूरी दुनिया में दिखाने के लिए कोशिश कर रहा है। लेकिन मैं जानता हूँ कि भारत की जनता इनको समझ चुकी है और दुनिया की जनता भी इनको समझ चुकी है, तो इनका जो एजेंडा हो जाता चलने वाला है नहीं। अच्छा, आप क्या देखते हैं कि 2024 में जो चुनाव आने वाले हैं तो इस पर कोई प्रभाव पड़ेगा इस सारे एजेंडे का? ये मैं आपको बता रहा हूँ कि अगले एक साल तक ऐसी बहुत सारी घटनाएं जो ग्लोबल जो नेक्सस है इस पूरे कंट्री में एक्टिव होगा, आप देखेंगे ऐसी बहुत सारी इनस्टेबिलिटी ये लोग क्रिएट करने की कोशिश करेंगे ताकि इसका थोड़ा बहुत भी इम्पैक्ट है वो 24 के जनरल इलेक्शन पे पड़े, लोग पूरा कोशिश करेंगे। लेकिन अब हमें अपनी सुरक्षा एजेंसी पे पूरा भरोसा है, हमें अपने जो सरकार है उससे पूरा भरोसा है कि लोगों को टैकल करेंगे अच्छे से, और खास करके इस देश की जनता ने दो बार से पिछली बार देखा है कि किस प्रकार से पिछले 8 साल से 9 साल से नेक्सस चला रहे हैं कि कैसे भी करके जो इंडिया की छवि उभर के आ रही है उसको खराब किया जाए। तो हम ये लोग प्रभाव बनाना चाहते हैं, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि ऐसा कोई प्रभाव पड़ेगा क्योंकि भारतीय जनता जाग चुकी है और राष्ट्रवादी सरकार स्टेबल सरकार चाहती है। धन्यवाद। तो हमारे साथ एक विद्यार्थी और हम उनसे बात करेंगे, नाम बताइए सर। नयन, मेरा नाम नयन धवल है, मैं PhD छात्र हूँ, मैं यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से रिलीजियस हिस्ट्री पर काम कर रहा हूँ और मैं एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का रिसर्च स्कॉलर हूँ। जिस समय ये सारा प्रकरण हुआ जी उस समय आप यहाँ थे? जी बिल्कुल था, मैं सारा घटना को अपने आंखों से देखा और आपको कुछ कुछ सवाल मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर क्या क्या हुआ। सबसे पहली बात है कि आपको पता होना चाहिए कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जो है एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, देश की नंबर वन यूनिवर्सिटी है, ठीक है। यहाँ पर 6 घंटे तक यहाँ पर 8,000 स्टूडेंट्स, शायद अब 10,000 हो गए हैं इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट के आने से, 10,000 स्टूडेंट्स और 800 टीचर्स रहते हैं, कुल मिला के 10,800 आदमी यहाँ रहता है, ठीक है। तो आप ये बताइए हमको कि 10,800 आदमी रहता है, 6 घंटे तक इलेक्ट्रिसिटी क्यों काटी गई? कोई टेक्निकल इशू नहीं है, स्क्रीनिंग जब हो रही थी उससे 15 मिनट पहले जो है लाइन काटी गई, 5-6 घंटे तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं आई, रात को 2 बजे इलेक्ट्रिसिटी रिस्टोर हुई, तो ये क्यों हुआ? सबसे पहला सवाल ये होता है। दूसरा सवाल ये होता है, यदि कुछ बच्चे बैठ करके कुछ भी चीजें देख रहे हैं, अपने लैपटॉप में देख रहे हैं, यदि लैपटॉप में देख रहे हैं तो उसके ऊपर पत्थरबाजी क्यों की जाएगी? और यदि पत्थरबाजी हुई तो उसका जिम्मेवार कौन है? यहाँ के प्रशासन क्या कर रही थी उस समय? प्रशासन ने उसको क्यों नहीं संज्ञान दे लिया? क्या ऐसी बात हो गई कि जो प्रशासन ने जो नहीं किया? आपको बता दें कि इस यूनिवर्सिटी का जो बजट है सिक्योरिटी बजट वो लगभग 8-10 करोड़ के बीच में आता है। मैं एग्जैक्ट फिगर को थोड़ा क्लियर नहीं हूँ, मगर मैं बता रहा हूँ कि 8-10 करोड़ के बीच आता है सालाना, ठीक है। सारे जो एक्स आर्मी मेंबर्स को यहाँ पर रिक्रूट किया गया है ताकि सिक्योरिटी को अच्छे तरीके से बहाल किया जाए, टाइट सिक्योरिटी रखा जाए। मगर आप हमको ये बताएं कि यहाँ पर इस यूनिवर्सिटी में वो लोग जो 250 लोग जो काम कर रहे थे सिक्योरिटी व्यवस्था को सुनिश्चित कर रहे थे वो कहाँ थे? ये सवाल ये जायज सवाल है। तीसरी सवाल ये है कि जब स्टोन पेल्टिंग स्टूडेंट यूनियन ऑफिस में हुई उसके बाद जब सारे लोग अंधेरे का माहौल था, डर का माहौल था, सारे लोग एक जगह पर एकत्रित होना चाहते थे, इलेक्ट्रिसिटी नहीं था, कम्युनिटी हुड के तहत एक जगह एकत्रित होकर के सब सिक्योर फील करना चाहते थे, उसके ऊपर भी स्टोन पेल्टिंग क्यों हुई? ये 3 सवाल है जो कि ये सारी घटनाओं को दर्शाता है। और स्टोन पेल्टर्स कौन है ये जग जाहिर है। 2 स्टोन पेल्टर को 25-30 लोगों ने, चश्मदीद लोगों ने वहां पर पकड़ करके पुलिस को सुपुर्द किया है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि यहाँ पर चीजें ऐसे हो रही हैं? और ये सारे मुद्दे जो हैं वो मोल मोल करके ये मुद्दे को जो है भड़काया जा रहा है, बनाया जा रहा है, ऐसा कोई इशू नहीं है। ये रिसर्च यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर हर एक तरह के रिसर्च होते हैं। आपको नहीं लगता है कि प्रधानमंत्री पर रिसर्च होना चाहिए? प्रधानमंत्री हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका क्या पास्ट में काम है, कैसे उन्होंने काम किया है, क्या दर्शाया गया है, कैसे देखा गया है, क्या उस पर काम नहीं होना चाहिए? क्या उनका आकलन नहीं होना चाहिए?
क्या हम इतने संकीर्ण सोच के हो गए हैं कि हम अपने देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश की अर्थव्यवस्था, हमारे देश का सामाजिक स्थिति, हमारे देश का आर्थिक ताना बाना, ये सब के बारे में हम लोग बात नहीं कर सकते? रिसर्च करने का मतलब क्या है? रिसर्च करने का मतलब है कि हर एक पहलू को देखना। बैन हुआ है, क्यों बैन हुआ, क्या क्यों, क्या स्थिति थी बैन होने? अच्छा, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। देखिए, 26 जनवरी नजदीक है जी, ठीक है, और सरकार ने इस डॉक्यूमेंट्री को बैन भी किया था, उसके बावजूद स्क्रीनिंग की गई और प्रशासन से इजाजत भी नहीं ली गई, तो ये एक तरह से इलीगल आप इसको कह सकते हैं, तो उसके बावजूद ये काम किया गया, तो इसका कारण क्या था? देखिए, सबसे पहली बात है, प्रशासन से सारा उनको दिया गया था, लिखित में सारा चीज दिया गया था कि हम लोग स्क्रीनिंग कर रहे हैं, और इसके बाद देखिए सवाल को घुमाया जा रहा है, आप उस सवाल को जड़ से पकड़िए ना, ठीक है। यदि कोई भी चीज है, वो स्क्रीनिंग तो हुई नहीं, बड़े पर्दे पर स्क्रीनिंग हुई नहीं, हुई बड़े विजुअल्स आए हैं कि बड़े पर्दे पर स्क्रीनिंग की गई नहीं, बिल्कुल ये गलत विजुअल है, जहां से भी आ रही है ये फॉल्स है, कहीं भी बड़े पर्दे पर स्क्रीनिंग नहीं हुई। अच्छा, 2, 4, 5, 10, 20 स्टूडेंट बैठ करके कोई चीज लैपटॉप में देख रहे हैं, उसके ऊपर ढेला चलाना कहां तक सही है? और ढेला कौन चला रहा है, कौन संगठन के लोग, 25 लोग बाहर के, आप सोचिए ये प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, ये दिल्ली के पूरे देश में दिल्ली हट है, यहाँ की सिक्योरिटी व्यवस्था, यहाँ की सिक्योरिटी व्यवस्था ऐसी है कि देश के प्रीमियर इंस्टीट्यूट में 25 बाहर के गुंडे आकर के घुस करके यूनिवर्सिटी का माहौल खराब कर रहे हैं। और तो हमारा गृह मंत्री क्या कर रहा है, हमारा गृह विभाग क्या कर रहा है, हमारा पुलिस डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? नहीं देखिए, पुलिस डिपार्टमेंट को तो गेट के अंदर जाने की इजाजत ही नहीं है, तो बिना एडमिनिस्ट्रेशन की इजाजत के गेट के अंदर जाने की इजाजत नहीं है पुलिस डिपार्टमेंट को, गेट से तो वो गुंडे जो मार कर सिक्योरिटी सिस्टम है, 250 लोग काम करते हैं। अच्छा, जो स्टोन फेंडिंग हुई है, ये लाइट जाने के बाद हुई है, बिजली जाने के बाद हुई है, उससे पहले हुई? बिजली जाने के बाद हुई है। अच्छा, बिजली जाने के बाद स्टोन पेंटिंग, कुछ प्रायोजित गुंडे घुस करके ये स्टोन पेंटिंग कर रहे थे। तो ये जो प्रायोजित गुंडे जिनको आप बोल रहे हैं, जिनको पढ़ना लिखना रिसर्च से कोई काम नहीं, वो इसी तरह से माहौल खराब करने का काम करते हैं, और उनको उनको संरक्षण देने का काम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद करता है। अच्छा, अगर मैं ये कहूँ कि पढ़ने लिखने का काम, चलिए आपने कहा कि उनका नहीं है, लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि जिस चीज को सरकार ने बैन कर दिया, सरकार ने कहा कि भाई आप इसको नहीं देख सकते, उसके बावजूद भी यदि उस चीज को देखा जा रहा है, तो ये 26 जनवरी है, इसके आसपास ही ये देश विरोधी हरकतें जेएनयू में क्यों की जाती है? देश विरोधी हरकत नहीं है, आप समझिए इसको, ठीक है, यहाँ पर देश विरोधी। अच्छा, आप आपको मैं कुछ सुनिए, सुनिए, मैं G20 समिट है देश के अंदर, एक सेकंड में सारे सारे सुन तो विदेशों से लोग, नहीं मैं आपसे क्वेश्चन करना, सारा चीज मैं समझ रहा हूँ, आप एक क्वेश्चन, मेरा सवाल आप पहले सुन लीजिए कि G20 का समय चल रहा है, भारत अध्यक्षता कर रहा है, और बहुत से समिट जो है पूरे हिंदुस्तान में होने हैं, 26 जनवरी का समय है, तो बहुत से विदेशी हमारे यहाँ आएंगे, और जो कि प्रशासनिक अधिकारी होंगे विदेशों के, वो एक तरह से इंडिया को जो है, भारत को जो है जज करेंगे कि भाई भारत में क्या माहौल है और किस प्रकार से इन्वेस्टमेंट भारत में की जा सकती है, बहुत से तरीके के इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं, देश के लिए फायदा हो सकता है। लेकिन ऐसे समय पर जेएनयू फिर से, जेएनयू के अंदर एक विवाद खड़ा होता है और देश के खिलाफ जो एक मैसेज जाता है, तो इसको आप कैसे देखते हैं? ये मैं आपको वही चीज बता रहा था, ठीक है, आपने जो सवाल पूछा वही सवाल का मैं जवाब आपको दे रहा था। जवाब ये है कि देश में एक संविधान है, और संविधान देश जो है पूरा संविधान से चलता है। संविधान के आर्टिकल 19 में आप पढ़ सकते हैं, फ्रीडम ऑफ फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन में ये आजादी है कि आप कुछ बोल सकते हैं, आपका विचार रख सकते हैं, आपका थॉट रख सकते हैं, राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 में जीने का अधिकार है। रात को 6 घंटे तक लाइट काट करके एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट, लेकिन आप ये देखिए ना, मैं आ रहा हूँ, सवाल सरकार के बैन करने के बावजूद अगर आप देख रहे हैं, तो वो आपका अधिकार नहीं होता, उस आर्टिकल के तो अंदर नहीं आता। फिर सरकार क्या बैन कर रही है, इस पे भी आपको देखना पड़ेगा ना। सरकार आपको कल कह दे कि आप दाल चावल खाना बैन हो गया, आप दाल चावल खाना छोड़ देंगे क्या? ठीक है, रोटी चावल खाना बंद कर देगी, तो आप क्या रोटी चावल खाना बंद कर देंगे क्या? व्यक्ति की आजादी, जो आपने मुझे बात कही ना, आर्टिकल व्यक्ति की आजादी का मतलब ये होता है ना, हम भी पढ़े हैं ना भाई, हम भी आर्टिकल व्यक्ति की आजादी का अर्थ ये, आप देशद्रोह कर रहे हैं, हम देशद्रोह कर रहे हैं,
देखिए सरकार ने जिस चीज को बैन किया आप उसको जबरदस्ती देख रहे हैं। देशद्रोह का क्या मतलब होता है? हमारे यूनिवर्सिटी ने, इस यूनिवर्सिटी ने, देख लीजिए आप कैमरा इधर, ठीक है, इस यूनिवर्सिटी ने देश को 70% ब्यूरोक्रेट दिया। अभी भी आप 100% जब ब्यूरोक्रेट निकालेंगे, बिल्कुल 70% ब्यूरोक्रेट, बिल्कुल देशद्रोह कर रहे हैं, ये सच है, ये सच है। दूसरी बात, अभी जो कैबिनेट मिनिस्टर है, कैबिनेट में देखेंगे 5 टॉप मिनिस्टर में से 2 JNU के हैं, ठीक है, तो हमारा रिप्रेजेंटेशन 40% से ऊपर आपका देशद्रोह कर रहे हैं, इसमें सबसे ज्यादा है। मैं ये लीजिए, सुन तो लीजिए, हम जो है, आप देश को नोबेल प्राइज को यूनिवर्सिटी ने दिया है, हमारे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट एलुमनाई ने देश को नोबेल प्राइज दिया, आप हमको देशद्रोही बोल रहे हैं? नहीं, कैसे बोल रहे हैं? मैंने आपको देश नहीं कहा, ये जो हरकत की गई, हरकत देशद्रोही वाला नहीं है, आपको समझने की जरूरत है, ठीक है, आपको समझने की जरूरत है कि देशद्रोही वाला हरकत नहीं है। क्या ऐसा क्या है डॉक्यूमेंट्री में जो सरकार का काला सच दिखा देगा? सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिया, सुप्रीम कोर्ट के आदेश आ गए। सुप्रीम एक अगर कोई देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये जो डॉक्यूमेंट्री बीबीसी के द्वारा तैयार की है, आप एक सेकंड बताइए, आपको आप मुख्य मोबाइल में क्या है, आप मोबाइल में यहाँ पर बैठ के क्या देख रहे हैं, इससे सरकार को क्या मतलब है? ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में आता है ना, हमारा फंडामेंटल राइट में आता है ना, राइट टू प्राइवेसी में आता है कि नहीं आता है? बैठ करके यदि कोई आदमी देख रहा है, कोई चीज देख रहा है, हम ये क्या है, प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, शोध का सेंटर है, यहाँ रिसर्च होता है, आपको बैंड आइटम भी देखना है। आपको एक सेकंड सुन लीजिए, आपको इजाजत बोल लीजिए, आप ही बोल लीजिए, मेरा सवाल बीच में आ जाता है ना जो आप बोलते हैं उसे। देखिए, अगर आप रिसर्च कर रहे हैं मोदी जी के ऊपर, अगर कोई आप ऐसा सोचते हैं कि भाई रिसर्च करनी चाहिए बच्चों को, तो आप उसकी इजाजत एडमिनिस्ट्रेशन से लेते हैं, मतलब करना चाहते हैं? तो इजाजत एडमिनिस्ट्रेशन से ली गई थी, आपको अच्छा, पता नहीं है क्या? अच्छा, इजाजत एडमिनिस्ट्रेशन से ली गई थी। अच्छा, ऐसा नहीं है कि इजाजत स्क्रीनिंग की, स्क्रीनिंग की? अच्छा, स्क्रीनिंग नहीं हुई है, मैं आपको पता नहीं है? अच्छा, ठीक, स्क्रीनिंग बड़े पर्दे पर यहाँ नहीं हुई है, लैपटॉप पर बैठ के 4-5-10 बच्चे देख रहे हैं, अपना रिसर्च का बात कर रहे हैं। विजुअल्स नेशनल मीडिया पर दिखाए गए, क्या वो गलत थे? आप मैं चश्मदीद हूँ, आप विजुअल पर विश्वास कर रहे हैं, ठीक है, आंख से देखा हुआ चीज को आप विश्वास अच्छा, नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। मैं अब आप मुझे ये बताइए, मैं आपको बता रहा हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन क्या कार्रवाई करे उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने इसको खड़ा किया है एजेंडे को? देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन जो कार्रवाई करे, दिल्ली जो पुलिस जो कार्रवाई करे, यहाँ पर 2 लड़के को पकड़ करके दिया गया झाड़ी में से वो। अच्छा, आप ये बताइए कि आप सीधा जाना चाहेंगे यूनिवर्सिटी के अंदर, तो रोड से जाएंगे? अभी मैंने उस व्यक्ति से बात की जिनको पकड़ के दिया गया, हाँ, तो उन्होंने ये कहा कि ये पूरा प्रोपेगेंडा हमारे खिलाफ किया गया और हमें जबरदस्ती कहने के लिए, तो आप कहने के लिए तो आप भी कुछ भी कर सकते हैं, आप तो कह सकते हैं कि देशद्रोही है। मैंने आपको डाटा दिया ना कि ये देशद्रोही कैसे नहीं है, दिया ना डाटा, आप बताइए कि वो कह रहा है। अब मैं आपको डाटा देता हूँ कि वो कैसे स्टोन पेल्टिंग कर रहा था। आप बताइए कि आप जब यूनिवर्सिटी में घूमेंगे तो कहाँ रोड में घूमेंगे ना, झाड़ी में घूमेंगे? नहीं, रोड पे घूमेंगे, रोड पे घूमेंगे, उसको झाड़ी से पकड़ के लाएगा। झाड़ी में वो क्या कर रहा था? झाड़ी में वो ईटा चुन रहा था, झाड़ी में वो ईटा चुन रहा था, ठीक है, ईटा चला रहा था, और 25-30 लोग गवाह है, 25-30 लोग यहाँ पर, 200-250 की भीड़ थी, 25-30 लोग गवाह है कि उन्होंने, मेरे पास वो वीडियो आ गई है जिस वक्त स्टोन पेंटिंग हुई थी ना, वो वीडियो मेरे पास है, वो भी मैं दिखाऊंगा लोगों को, आप भी उसको देखिएगा, स्टोन पेंटिंग की जो वीडियो वो मेरे पास आ चुकी है। देखिए, हर एक चीज का वीडियो नहीं बन सकता है, आप यहाँ पर वो जो भी चीज चल रहा है सबका वीडियो बना लेंगे क्या? वहाँ पर वो लड़का झाड़ी में क्या कर रहा था, ये सवाल उससे पूछा आप? झाड़ी में लोग झाड़ी में क्यों? आपने मुझे बताया कि वो झाड़ी में था, झाड़ी में, समय मुझे नहीं पता था। देखिए, आपको मैं बता रहा हूँ, नेशनल मीडिया में सारे लोग जो है ये चीज चल रहा है, झाड़ी से वो लड़का को पकड़ के लाया गया, रोड से नहीं लाया गया। यदि आम आदमी रहेगा तो रोड पे रहेगा, डर नहीं रहेगा, ठीक है, तो झाड़ी में क्या कर रहा है? आप सरकार से और प्रशासन से, JNU प्रशासन से आप क्या मांग करते हैं? देखिए, मैं सरकार से और JNU प्रशासन से यही मांग करता हूँ कि जो भी दोषी है इस घटना के क्रम में, जो भी दोषी है उसको निष्पक्ष तरीके से उस पर जांच करके उसको सजा देना चाहिए, सबसे पहला चीज। दूसरी चीज कि ये भी जांच का विषय होना चाहिए कि 6 घंटे तक यहाँ के जो वाइस चांसलर हैं, यहाँ के जो लोग हैं, वो जो एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हुए हैं, यहाँ पर 5 से 6 घंटे तक इलेक्ट्रिसिटी क्यों काटी गई, इस पर भी जांच होना चाहिए। क्या टेक्निकल इशू था कि इस पर जाता है कि आप इलेक्ट्रिसिटी काटे गए, इलेक्ट्रिसिटी काट करके पूरे माहौल को खराब किया गया? आप बताइए कि ये आप चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन 6 घंटे तक लाइट, आप बिजली तो एडमिनिस्ट्रेशन ने काटी ना, आपकी लाइट एडमिनिस्ट्रेशन ने काटी, एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ काटी, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए।
ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन ने मैं किसने काटी किसने काटी उस पर कार्रवाई क्यों नहीं होगी कार्रवाई उस पर। छह घंटे तक ये प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, छह घंटे तक एसी में जो प्लांट्स लगाए गए हैं एसी में रखा जाता है, उसको पूरे तरह से किया जाता है, वो खराब हो जाएगा उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? उस कितने बच्चों का रिसर्च खराब हो सकता है उससे, उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? इलेक्ट्रिसिटी है, कोई भी महिला स्टूडेंट इतने रहते हैं, इतने महिला हॉस्टल्स है, 3000 के आसपास महिलाएं इस कैंपस में है, तो आपको लगता है कि उनके साथ कुछ दुर्घटना होता था उसकी जिम्मेवारी कौन लेता? अच्छा आप ये सारे सवाल क्या जायज नहीं है आपके? सवाल और ये सवाल जब जायज है तो सवाल खड़े किए वो ठीक है, लेकिन दूसरे पक्ष को भी अगर हम देखते हैं ना, जैसे मान लीजिए आपने कहा कि कुछ तो गुंडे आ गए पत्थरबाजी कर दी, तो अच्छा एक पक्ष को भी जानना जाना जरूरी है ना। सबसे पहला चीज आपका सवाल है गुंडे आ गए, गुंडे कैसे आए जब सिक्योरिटी यहाँ पर है, इतना टाइट सिक्योरिटी है, चार कैमरा लगा हुआ है, हर एक गेट पे कैमरा लगा हुआ है, तो गुंडे कैसे आ गए? जिस प्रकार से आप विद्यार्थी हैं, वैसे वो भी विद्यार्थी हैं जेएनयू के, जेएनयू के विद्यार्थी हैं, बाहर से भी आ गए, और मतलब आप सब बात उनका कहना ये है कि दूसरे कॉलेजों से बच्चे बुला के स्क्रीनिंग की गई दूसरे पक्ष का दूसरे, तो आप चिन्हित करें, आप चिन्हित करें आपके चैनल के माध्यम से, मैं कहना चाहता हूँ जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन को, दिल्ली पुलिस को, कि जो भी बाहर से आए थे उनको चिन्हित करें, कौन पत्थर चला रहा था आप चिन्हित करें, और चिन्हित करके उनके ऊपर कार्यवाही करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो दोस्तों इस समय हम जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के गेट पर खड़े हैं और हमने बहुत से विद्यार्थियों से बात की है, और विद्यार्थियों का कहना यह है कि ये जो भी प्रकरण खड़ा किया गया है इसमें कहीं ना कहीं एक साजिश हमें दिखाई देती है। तो दोनों ही तरफ के विद्यार्थियों की ये मांग है कि एडमिनिस्ट्रेशन इस पर कार्रवाई करे और दोषी लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जाए। तो दोस्तों मैं हरनाम सिंह दिल्ली क्राइम टाइम्स के लिए जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।